मेरे पेटीएम में 27 रुपीज़। तो मैं MPL ऐप में गया, MPL ऐप पे जाके विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक किया, वहाँ लिखा 52 रुपीज़। पेटीएम का ऑप्शन पे क्लिक किया और विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ तो होने में ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है, पर वो भी हो गया। चलो विड्रॉ भी हो गया। अब जाके हम जाएंगे पेटीएम पे, पेटीएम पे जाके देखा, देखो 27 रुपीज़ है। एक बार बैक किया, वापस वॉलेट पे क्लिक किया और आ गया आपका पैसा, 52 रुपीज़ आ चुके हैं, वो भी MPL तरफ से। कोई भी टैक्स नहीं लगता इस पे। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर माय वीडियो। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया, अगर आगे भी बढ़िया रहना। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो, और आपको अकाउंट पेटीएम अकाउंट बनाना है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वो अकाउंट में पैसे कैसे ऐड करने हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक MPL की लिंक है उसके उस पर क्लिक कर देना है। सिंपली लिंक के क्लिक करते ही आपको क्रोम पे लेके क्रोम पे पहुंचा देगा। क्रोम पे पहुंचाने के बाद वो ऐप का पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और वहाँ पर जो रेफर कोड है उसको कॉपी कर लेना है, और बाद में नीचे के डाउनलोड के ऑप्शन पर जाके डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड हो जाने के बाद वो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, उस पर क्लिक भी कर दिया है। तो ये अभी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा टाइम में। तो देखो रेडी टू प्ले हो गया। अब ये इसका इंटरफेस है, जो फोटो दिखा रहा है वो आपको देख लेना है, पढ़ना है तो पढ़ लेना है। यहाँ पे जाके आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो डाल देना है। तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे रेफर कोड का ऑप्शन है, वहाँ जाके रेफर कोड डालना है। जो मैंने नीचे पहले कॉपी करवाया था वो जाके यहाँ पे सिर्फ प्ले पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया और अप्लाई कोड पे कंफर्म कर दिया। अब ये रेफर कोड से क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बाद में बताता हूँ थोड़े टाइम पर। तो अभी ये OTP सेंड टू OTP के क्लिक कर दिया, एक्सेस कर दिया, और अभी OTP आ जाएगा थोड़े टाइम में ही। तो OTP भी आ चुका है, अपने आप वेरीफाई भी हो रहा है, और OTP सक्सेसफुल होने के बाद ये ऐप स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका ऐप स्टार्ट होते ही आपको प्ले का ऑप्शन दिख जाएगा, एक उस पर प्ले कर देना, और गेम ख़त्म हो जाने के बाद ये टास्क आ जाएंगे। तो आपको ये टास्क देख लेने हैं। तो सिंपल से टास्क है, टास्क बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक गेम खेलना है, एक गेम के 3 रुपीज़ मिलेंगे। वापस एक गेम वापस 5 गेम खेलना है, उसके 5 रुपीज़ मिलेंगे। और एक बार 10 गेम खेलने हैं, उसके 7 रुपीज़ मिलेंगे। तो बात करते हैं चौथा टास्क की। तो चौथा टास्क में है कि विड्रॉ करना है आपको, मिनिमम 1 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो, और आप 1 रुपीज़ विड्रॉ करोगे तो वो टास्क में आपको 3 रुपीज़ मिलेंगे। और चौथा जो टास्क है उसमें आपको ऐड करना है, 1 रुपया 5 बार ऐड करना है। और जो छठा टास्क है उसमें आपको ये ऐप का लिंक शेयर करना है, किसी को रेफ़र करना है, और वो अगर आपके लिंक से स्टार्ट करेंगे ऐप तो आपको 4 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आपने मेरा रेफर कोड यूज़ करके आपने ऐप स्टार्ट किया होगा तो मेरे को 4 रुपीज़ मिल जाएंगे। और अगर आप सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 25 रुपये मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारा गेम है। तो मैंने ये फ्रूट चॉप पे क्लिक किया। ये फ्रूट चॉप का एक टूर्नामेंट है जिसमें आपको 10 रुपये एंट्री फी देना पड़ता है, और एक गेम एक चांस होता है जिसमें आपको स्कोर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने वाले को फर्स्ट नंबर पे आता है उसको 2000 रुपये मिलते हैं। अगर आप दूसरे नंबर पर आते हो तो आपको 1000 रुपये मिलते हैं, ऐसे ऐसे नीचे आते जाते। और अगर आप 610 नंबर पर आ जाते हो तो आपको 15 रुपीज़ मिल जाएंगे, और उसके नीचे जो आए तो उसका पैसे 10 रुपये में से 5 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि आपके 5 रुपये जाएंगे। और इस ऐप टूर्नामेंट में टोटल 4000 की एंट्री होगी, उसमें से 2400 तक को इनाम मिलेगा, और बाकी जो नीचे आता है उसको कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें जो रेड कलर का ये हार्ड छपा हुआ है उसका मतलब है एक ट्राई है। कोई कोई टूर्नामेंट में अनलिमिटेड ट्राई होती है जिसमें टाइम होता है कि इतने टाइम के बीच में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेना है, और आप अगर ज़्यादा स्कोर कर लेते हो तो आप जीत जाते हैं। तो सब गेम में ये फ्री का एक ऑप्शन होता है जहाँ फ्री में आप गेम खेल सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलती है कि आप कितना स्कोर कर सकते। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2000 का स्कोर किया है, 2000 से ज़्यादा मैं स्कोर नहीं कर पाता था, इसलिए मैं ये गेम नहीं खेलता। चलो मैं आज एक गेम खेल के दिखाता हूँ जिसमें आप स्कोर कैसे करना है। तो ये गेम स्टार्ट हो रहा है।
तो हर गेम में रूल्स हो गए। ये गेम में रूल्स है कि आपको एक साथ फल काटने हैं, एक भी फल को नीचे नहीं जाने देना है। एक साथ ज़्यादा फल काटोगे तो ज़्यादा स्कोर मिलेगा, और अगर आपने ये बॉम्ब फोड़ दिया तो आपका गेम वहीं के वहीं फिनिश हो जाएगा। तो ये एक टीममेट को ढूंढ रहा है, जो आपके सामने जो खेलने वाला है उस बंदे को ढूंढ रहा है, और ये गेम स्टार्ट हो गया। तो ये स्टार्टिंग के साथ ही मेरा दो फल तो नीचे जा चुका है, और ये तीसरा फल जाने वाला ही था। तब तक सामने वाले ने जीरो स्कोर किया और मैं जीत गया। तो मैंने टास्क में बताया था कि आपको 10 गेम खेलने हैं, तो ये फ्री का 10 गेम खेलोगे फिर भी चलेंगे और आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, और आपको वहाँ से 7 रुपये मिल जाएंगे। इसमें टोटली 4 प्रकार के पैसे हैं। तो पहला पैसा है जो वो है विड्रॉ कैश, जो उसमें से आप जीतोगे वो विड्रॉ कर पाएंगे, वो कैश विड्रॉल कैश में आएगा। दूसरा है डिपॉजिट कैश, जो आप पेटीएम वॉलेट से ये ऐप में ऐड करोगे वो कैश होगा। और जो चौथा कैश है वो बोनस कैश होगा। अगर आपने मेरा रेफर कोड यूज़ किया होगा तो मेरे को वो बोनस कैश मिल रहा होगा 75 रुपीज़ पर, वो किसी काम का नहीं। अगर आप 10 वाला गेम खेलेंगे तो उसमें सिर्फ 1 रुपीज़ बोनस कैश का यूज होता है, तो ये बोनस कैश ज़्यादा काम नहीं आता पर बहुत पड़ा रहता। अब ये जो चौथा कैश है वो प्रोमो डिपॉजिट कैश, जो MPL के तरफ से आपको फ्री में मिलेगा, और अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो चला जाएगा अपने टाइम पर। 3 दिन का टाइम मिलेगा, 3 दिन में आपको वो यूज करके बिगाड़ देना है, या तो फिर खेल लेना है, जीत लेना है, वरना वो चला जाएगा अपने आप ही। और ये प्रोमो डिपॉजिट कैश 1 महीने में हर बंदे के वॉलेट में 1 बार दिया जाता है, जिसमें वो 5-10 रुपये होते हैं, 20 रुपये होते हैं, कुछ भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ज़्यादा मिलता है किसी को कम मिलता है। अब पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले पेटीएम में जाना है। पेटीएम में जाना नहीं, मैं बता रहा हूँ, पेटीएम में गया, और पेटीएम में जाने के बाद मेरे पास 26 रुपीज़ है, तो आपके सामने 26 रुपीज़। और ये मैं MPL में वापस गया, यहाँ पे जाके विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मिनिमम 1 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हो उतने विड्रॉ कर सकते हैं, और एक दिन में सिर्फ 2 ही बार विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ये 1 रुपीज़ लिखा और पेटीएम का ऑप्शन सिलेक्ट करके विड्रॉ करने पे स्टार्ट कर दिया, और ये मेरा विड्रॉ हो गया। अब मैं गया अपने वॉलेट पे, एक बार बैक किया, और वापस जाने पे आपका 1 रुपया मेरा आ गया, पहुँच गया। देखो 1 रुपया तुरंत ही आ गया, देखो वो भी MPL के तरफ से। अब जो बाकी के 52 रुपीज़ है वो विड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी दिखाया था और अभी भी दिखा रहा हूँ कि ये विड्रॉ करने पे क्लिक किया और ये देखो विड्रॉ हो गया। अब मैं गया वॉलेट पे, एक बार बैक किया, वापस अंदर क्लिक किया, और ये मेरा 52 रुपीज़ मेरे को मिल गया है, और मेरे पास 79 रुपीज़ हो गए हैं अब।